झरिया विधानसभा सीट से लगातार जेएलकेएम के प्रत्याशी रुस्तम अंसारी का जनसंपर्क अभियान जारी है। बता दें, मंगलवार को रुस्तम अंसारी ने झरिया एनाकोटी बौरी टोला पहुंचे, जहां लोगों से मिलकर अपने समर्थन में वोट मांगा और साथ देने का आग्रह किया। वही जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो झरिया की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगे। तो सही हो रहा है, हम लोग ये वाला बना देगा, कल दे देगा, घर का भी नहीं है कहीं बनेगा, कल हम लोग को मिल जाना चाहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है, ये हमारा गांव है, हमारे बाबूजी यहाँ पर लोग स्थापना किए हैं, कोई हमारी बहन है तो कोई हमारी भाभी है, कोई हमारी बेटी है। और रह गया बात, यहाँ पर सामने कहा लोग कि उनके ऑफिस में गया, पूर्णिमा जी के ऑफिस में तो भगा दिया लोग, ये लोग बोल रही, हम तो बोल नहीं रहे। अब बताइए, जनता का समस्या को यदि हम निदान नहीं करते तो हम विधायक क्यों बनते हैं? एक लाइन में हमारा बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि अमीरी गरीबी को हटाना होगा, आप अमीर है तो आप अमीर होते विधायक क्यों बने? इस गरीब के साथ क्यों नहीं बैठे? कितने छोटा सा डिमांड इसका कि भाई हमारा मंदिर का चाला बनवा दीजिए, तो सरकार का तो फंड है, क्यों नहीं बनवाया आप 5 साल में? ठीक है, दूसरी बात समस्या है पानी का, क्योंकि यहाँ पर पानी की घनघोर समस्या, इसलिए यहाँ बोरिंग का कोई साधन नहीं है, कोल बैरिंग एरिया में बैरिंग का मैंने बोरिंग का कोई साधन नहीं है, टोटल चीज माडा पर निर्भर है। तो माडा का मालिक कौन है? जनप्रतिनिधि है ना जी, एक दिन में पानी गिरेगा, एक दिन में। यदि हम लोग विधायक बनते हैं तो लोग देखेगा ही, मुख्य बात तो दीदी हमारा नहीं बोली, प्रदूषण से कितना परेशान है, तो लोग जो गर्दा गिरे हो यहाँ पर उससे परेशान है कि नहीं? सब लोग बीमार हो गया है। मेन समस्या ये बगल में आना कुल चल रहा अनलीगल माइनिंग, ए राजापुर चल रहा अनलीगल, कोई पोल्यूशन को नहीं ताक पर रख दिया, माइनिंग एक काम ताक पर रख दिया है, ब्लास्टिंग करता है तो घर गिरता है, घर गिरता है, ये लोग के पास रहने का कहीं घर नहीं है, ये लोग विस्थापन के मुद्दा में, ये लोग बलगरिया के जैसा घर बनेगा उसका विरोध करेगा, ये लोग एक अच्छा घर चाहिए। तो ये अगर आप झरिया विधानसभा से जीतते हैं तो इन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा कैरेक्टर को हमारा दीदी हमारा भाभी ये लोग जानता है, रुस्तम कितना अच्छा आदमी है, यही लोग के बीच में हम पले बड़े हैं, ये लोग जानता है कि मेरा भाई है, ये करेगा, इसलिए सारी जात का हर जात आपको सपोर्ट कर रहा है। इस बार कोई बीजेपी है कोई कांग्रेस नहीं चलेगा, कोई मंदिर है कोई मस्जिद नहीं चलेगा, अभी चलेगा इंसानियत, 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 इंसानियत पर ही काम होगा। अब रुस्तम यहाँ एक उस्ताद है, ना कोई जात है ना कोई पात, हम इंसानियत के तर्ज पर काम करेंगे और ये करते भी आए हैं, आज भी नहीं विधायक है तो कोई जरूरत पड़ता है यदि तो क्या आता, हम आते हैं कि नहीं आता है, सब तो बैठको किया है, तो हमको इसमें क्या कहना है, यही बात पूरे झरिया विधानसभा में। आपके लिए खुशी की खबर है, यहाँ के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा बताए? हमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, हम बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हम लोग का घर का है, और इसी तरह से मेरा संबंध पूरे झरिया विधानसभा में, ना कोई हम छोटा है ना कोई बड़ा है, भगवान बड़ा के लिए बड़ा बनाया है और छोटा के लिए माँ हमारे सामने बैठे है, ये भी हमारे लिए है, तो इसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। अरे हम क्या बोले, इंसान भगवान, हम गीता पढ़े हैं, गीता में साफ लिखा है कि तुमको भेजे है दुनिया में तो रोटी का चिंता मत करना, ईश्वर रोटी भेज देगा, झरिया दीदी हो चाहे भाई हो, ठीक है, लेकिन हमको सेवा करना है जनता का, रूप कोई हो, विधायक के रूप में या ऐसे रूप हो। आज भी लोग जानते हैं कि 7 बजे से अपने ऑफिस में बैठते हैं, 12 बजे तक इन लोग काम करते हैं, अब 12 बजे के बाद 2 रोटी कमाने के लिए हम भी निकलते हैं घर से, बस।